भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली के लिए टोहाना से रवाना हुए सुभाष बराला को हिसार रोड से टाउन पार्क के पास इनेलो द्वारा काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान इनेलो किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, फतेहाबाद विधायक बलवान दौलतपुरिया, रतिया विधायक रविंदर बलियाला, इनसो की टीम ने मिलकर सुभाष बराला के काफिलों को काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इनेलो नेताओं ने भाजपा की इस रैली पर तंज कसते हुए कहा कि जुमलों की पार्टी के नेता कई जुमले देकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार युवा हुंकार रैली कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि 3.5 वर्षों का खट्टर सरकार का जो फेलोर है, पूरी तरह से सरकार फेल हुई है। हर वर्ग पूरे हरियाणा में निराश है, नाराज है, और उन लोगों को उनकी आंखों में और धूल झोंकने के लिए जैसे जुमलेबाजी ये पहले करते थे, वो सारे जुमले इनके झूठ साबित हुए। एक नए को जुमले देने के लिए इस देश के इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जींद में आ रहे हैं। युवाओं को बरगलाने के लिए, नौकरियां तो दे नहीं सके उन युवाओं को, और कुछ जुमले सुनाने के लिए आज जींद में बुला रहे हैं। पेड लोगों को बुलाया जा रहा है, 500 रुपये प्रति मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, 5 लीटर पेट्रोल डलवाया जा रहा है, और इस तरीके से उनको बुलाया जा रहा है। जींद के अंदर पूरा प्रदेश का प्रशासन इस काम पे लगा दिया, गुंडा दंदना रहा है, अपराध कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आज पूरा प्रशासन, जिन्होंने लोगों की, जनता की सेवा करनी थी अपने दफ्तरों में रह करके, वो सारे को इस काम पे लगा रखा है। जो ना पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग आज पूरे हरियाणा को छावनी बना करके रखा हुआ है। जिस अमित शाह को ये कहते थे कि मोटरसाइकिल से दिल्ली से आएगा, आज ये कहते हैं कि 2 एकड़ दूर से उसका हेलीकॉप्टर से उतर करके और मोटरसाइकिल पे रैली स्थल पे पहुंचेगा। इतना भय इनको हो गया, अपने ही प्रदेश के लोग इनके दुश्मन हो गए, ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्होंने लगाई है। हम ये कहते हैं अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, जो वायदे किए थे उनको पूरा करें, उन लोगों की सेवा करें। इंडेक्स एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।